जो भी भाई लोग सिस्टर या कोई भी एक्स वाई जेड जो कुवैत में है और अपने होम कंट्री जाना चाहता है, तो उसके लिए भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो का पूरा वॉच कीजिएगा। देखिए, इसमें कुछ कमेंट है जो मेरे पास आए हैं, उस एक एक कमेंट का मैं आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब भी इस वीडियो में मिल जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरी वीडियो को वॉच करें और जिसको ज़रूरत है उसको शेयर भी करें। और चैनल पर नया है भाई, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि हर वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैं नई जानकारी लेके आ सकूँ। तो भाई देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपनी साइड पर शूट कर रहा हूँ, और देख सकते हैं मेरे पीछे ये अभी टावर बन रहा है, मूवियन टावर है, और इसमें साइड में और ऊपर क्लिप भी लगा सकता हूँ। आप देख सकते हैं क्या नज़ारा वगैरह। अभी सामने जो है लाइट आ रही है, जिसकी वजह से इधर का फ्रंट का व्यू आपको दिखाई नहीं देने का, लेकिन क्या व्यू है वो मैं आपको ऊपर से क्लिप लगा दूँगा, आप वो क्लिप देख सकते हैं। लेकिन क्लिप के साथ साथ भी आप कुछ सवालों के आपको जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है भाई का, जुमे के दिन भी जा सकते हैं? मतलब भाई ने ये सवाल करा है किसी भी ऑफिशियल ऑफिस में, यानी कि जहाँ जैसे कि एम्बेसी है, जवाजात है, या कोई भी आपका सरकारी दफ्तर, वहाँ हम जुमे के दिन या सैटरडे के दिन भी अपना कोई काम करा सकते हैं या नहीं करा सकते? तो देखिए भाई, पहले सवाल का जवाब ये है, कुवैत में ओवरऑल फ्राइडे और सैटरडे ये गवर्नमेंट छुट्टी होती है, और गवर्नमेंट छुट्टी का मतलब ये है कि यहाँ दो दिन आप कुछ भी काम नहीं करा सकते। आपको दो दिन के अलावा, यानी कि जो पाँच दिन बचते हैं उसमें ही आपको अपना काम कराना पड़ेगा, और दो दिन का आप हमेशा ख़ास तौर से ध्यान रखें। अब देखिए, दूसरा सवाल क्या है भाई का, कि मेरे पास ओरिजिनल पासपोर्ट है और मुझे घर पे जाना है, बट मैं कुवैत में हूँ और मेरे ऊपर घर से भाग जाने का केस है, तो क्या मैं घर जा सकता हूँ? मतलब आपके सवाल समझ में आया कि भाई जो है कुवैती के यहाँ काम करने आया होगा 20 नंबर वीज़ा में, और भाई के पास पासपोर्ट भी है, लेकिन भाई काम के डर से या कोई लफड़ा हो गया होगा कुवैती से, और वो अपनी लोकेशन छोड़ के कुवैती के घर छोड़ के भाग गया, तो क्या वो इस टाइम अपनी होम कंट्री जा सकता है या नहीं जा सकता? तो देखिए भाई, सिंपली है, जहां आप आए थे, अगर उस बंदे ने, उस कुवैती ने अगर आपके ऊपर कोई केस कर दिया होगा तो आप नहीं जा सकते। और अगर आपके पास कोई केस नहीं है, ऊपर कोई भी आपके ऊपर कोई फाइन कोई केस नहीं है, तो आसानी से अपने पासपोर्ट का यूज़ करके आप आसानी से घर जा सकते हैं। आप टिकट करा लीजिए, और केस है या नहीं है इसके लिए सिंपली आप एम्बेसी में भी जा सकते हैं, या अपने एरिए के वहाँ कोई भी आपको बता देगा जो जवाजात होता है, वहाँ पे जाके भी आप चेक करा सकते हैं कि मेरे ऊपर केस है या नहीं है। फाइनल तो केस है या नहीं है वो एयरपोर्ट पे जाके आपको पता चलेगा। अगर एयरपोर्ट पे फिंगर होने के बाद आपको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं तो समझ लो भाई केस नहीं है, लेकिन उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अपने टिकट का रिस्क लेना पड़ेगा। 30 दिनार, 35 दिनार, 40-50 दिनार का जो टिकट है, हो सकता है आपका वेस्ट जाए। तो एक बार जाने से पहले एयरपोर्ट में आप 2-3 जगह उसको चेक करा लेना अच्छे से, और अगर कहीं भी और डाउट हो तो थाने वाने में जाके आप किसी भी मसरी को, किसी भी बंगाली को पकड़ के आप अपना केस पहले चेक कराइए, फिर आप जाइए। पासपोर्ट है आपके पास, कोई केस नहीं, फाइन नहीं, तो आसानी से अपनी होम कंट्री जा सकते हैं। दूसरा सवाल क्या है आपका, पासपोर्ट कंपनी के पास है तो क्या करें? देखिए भाई, सबसे अहम चीज़ ये है कि कुवैत छूट चल रही है, और ये छूट जो है हमेशा नहीं चलती है। अभी अपनी कंट्री की एम्बेसी में जाइए, जो भी आपकी कंट्री की एम्बेसी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो फाइल में इंडियन एम्बेसी है, उसमें जाइए और उसमें बाई पासपोर्ट बनवा रहे हैं। कितना खर्चा आ रहा भाई, 8 दिनार खर्चे में आ रहा है, 102 घंटे आपका प्रोसेस कंप्लीट होने में आएगा। तो जो भी आपका पासपोर्ट है उसकी फोटोकॉपी लेके जाइए, 1-2 फोटो लेके जाना, अगर एकामा एक्सपायर है तो उसकी भी आप फोटोकॉपी लेके जाना, और 8 से 10 दिनार अपने पास लेके जाना। इस तरीके से आपका वाइट पासपोर्ट बन जाएगा, और वाइट पासपोर्ट आने के बाद अपना टिकट कराना। अगर आपके पास कोई केस नहीं हुआ, कोई भी फाइन नहीं हुआ, तो आसानी से आप अपनी होम कंट्री जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें भाई, जाने से पहले अपना केस ज़रूर चेक करा लें, एम्बेसी में जाके, जवाजात में जाके, या किसी भी बंगाली को पकड़ लो। बंगाली का आपको पता ही है, कुवैत में बंगाली है तो मुमकिन है, हर काम बंगाली के थ्रू मुमकिन हो जाता है। तो किसी भी बंगाली को 2-3 दिनार दीजिए, 1-2 दिनार दीजिए, और अपना प्रॉपर रिकॉर्ड चेक कराइए। अगर आपके ऊपर कोई फाइन नहीं, केस नहीं, तो आसानी से आप अपनी होम कंट्री जा सकते हैं। अब तीसरा केस क्या है भाई का, देखिए तीसरा सवाल ये है, मेरे पास वैलिड पासपोर्ट है, क्या मैं बिना कहीं जाए डायरेक्ट टिकट करा के जा सकता हूँ? यानी कि भाई के पास वैलिड पासपोर्ट है तो क्या वो डायरेक्ट टिकट करा के जा सकता है? फिर वही सवाल। तो भाई देखिए, अगर आपके पास पासपोर्ट
है या नहीं भी पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, अगर पासपोर्ट नहीं है तो अपनी होम कंट्री के एम्बेसी में जाइए, वहाँ पासपोर्ट बनना है और अपना टिकट कराइए और अपनी कंट्री को रिटर्न हो जाइए, वापस हो जाइए। बस शर्त ये है आपके ऊपर किसी भी तरीके का फाइन, किसी भी तरीके का आपके पास ऊपर केस नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर फाइन है, केस है या लोन है तो आप अपनी होम कंट्री तब तक नहीं जा सकते तब तक ये चीज़ें क्लियर ना हो जाए। फाइन, लोन और आपका केस, यही वो चीज़ें हैं जो आपके जाने में रुकावट पैदा कर सकती हैं। और ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए एम्बेसी में जाके संपर्क कर सकते हैं, अपने एरिया के दवाजात में जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी आसपास में कुछ भी मालूम नहीं है तो बंगाली को पकड़िए, एक दो दिनार दीजिए और उससे संपर्क करके वो आपका मैटर क्लियर करा देगा। फाइनल में तो ये है, अगर आपका केस क्लियर नहीं होता तो फिर वो ये वकील को आपको हायर करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, जब जाके केस आपका क्लियर होगा। बहुत बड़ी सरदर्दी है केस क्लियर कराने के लिए, अगर कोई बंगाली करा देता है तो वेल एंड गुड। इसके बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा किस तरीके से होगा, कैसे नहीं होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।